अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल टीयर केक। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो एक नहीं होगा, सिंगल दो केक होंगे। डबल टीयर केक बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स है: 3 कप फ्लोर, 2 eggs, 3 स्पून ऑयल, 1 ग्लास मिल्क, बीपी क्रीम का 1/2 किलो वाला पैक, चेरीज ले लिए डेकोरेटिंग के लिए, वेनिला एसेंस 1 स्पून, 2 स्पून बेकिंग सोडा, खमीर ले लिया है 2 स्पून, शुगर 1 और आधा कप। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा और खमीर को मिक्स कर रहे हैं। खुश्क आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आटा मैंने छान कर रखा है। एग्स, ऑयल, शुगर, वेनिला एसेंस और मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालना हमें। इसे इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर बीटर है आपके घर में तो उससे बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, अगर नहीं तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, क्योंकि मिक्सचर इसका जितना अच्छा ब्लेंड होगा हमारा केक भी उतना ही फूलेगा अच्छे से। तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हमने डाली है वो बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। मिक्सचर हमारा रेडी है और मिल्क मैंने पूरा नहीं डाला, इतना बचा लिया है। और देख रहे हैं ये कितना गाढ़ा है, इसी तरह का मिक्सचर होना चाहिए ताकि हमारा केक अच्छे से फूल सके। अब हम आधे घंटे के लिए इसे बंद करके रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे बेक करेंगे। मिक्सचर को मैंने 1 घंटा रखा था और ये मिक्सचर अब अच्छे से फूल गया है, क्योंकि मिक्सचर अगर फूलेगा तो हमारा केक भी इतना ही फूलेगा। तो अब हम टिफिन को ग्रीस कर लेते हैं। बर्तन को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बटर पेपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैंने इस तरह से रख दिया है। अब मैं दूसरा इसे छोटा केक भी इसी तरह से रख दूंगी। पतीली में मैंने नमक बिछा दिया है। अब इसमें ये टिफिन रख देंगे और केक के ऊपर वजन रखना है हमें। पहले एक कपड़ा रखेंगे ताकि हवा ना निकले इसकी बिल्कुल भी बाहर, और मोटा कपड़ा लेकर इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। 25 से 30 मिनट तक इसे बेक होने देंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। कुछ देर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो केक हमारा बेक हो गया है और दोनों केक तैयार है। देखें कितना नरम और सॉफ्ट केक बना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चारों तरफ मैंने किनारों में निशान लगा दिए हैं छुरी से। इस तरह से केक मैंने कटिंग करके केक के दो हिस्से कर लिए हैं। तो केक के एक हिस्से पे मैंने क्रीम लगा दी है। देखिए हमारा केक तैयार है और बहुत यम्मी सा बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक यू।